कह दिया मीना और दीपू से के खाना खा ले। जी जी कह दिया। ये क्या कर रही हो तुम? ये मीना के बर्तन अलग-अलग कर रही हूँ। नहीं नहीं ऐसा मत कर, दीपू देखेगा तो बुरा लगेगा उसे। ममो हमसे नहीं मचते ये रोज रोज बर्तन। रख तो मैं खुद ही मांझ लूंगी, कुछ नहीं होता। ममो हम लोग बाहर जाके खाना खा रहे हैं, ठीक है ना? नहीं भाई, रोज ही तो चाहते हो बाहर अल्लाह भला खाने के लिए। बैठो, मैंने घर पे खाना बनाया है तुम्हारे लिए, बहुत ही अच्छा, सब तुम्हारी पसंद का है। मम्मो वो असल में आज मीना ने खास फरमाइश की है ना, तो मैं उसके लिए आज प्लीज। बैठो घर पे खाओ, चलो चलो। ठीक है, क्या बनाया है आज तुमने? अरे आइए कासिम मियां, आइए आइए, बताएं आपके लिए क्या खाना डाल दो। ये यहाँ क्यों आए? मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा। बस कर दो दीपू, जिस दिन से आए हो उसकी तजलील ही किए जा रहे हो। हाँ तो ये इज्जत के काबिल है? हाँ इसने जो किया। चलो मीना चले। दीपू आप खाना खा लें, हम ऊपर जाके खा लेंगे। अरे यार इतना आए थे तो बैठ ही जाते ना। कासिम मियां सुनिए तो। अच्छा नहीं कर रहे तो। अच्छा तो जो इसने जो किया वो ठीक था? तुम्हारी वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो रहा है दीपू। Come on, यार। चलो मीना हम बाहर जाके खा लेते हैं, आप लोग खाइए ये सारा खाना। दीपू बैठो। नहीं दीपू, दीपू आ जाओ कासिम, खाना खा लो। ससी रख लें यार, हम खा लेंगे बाद में। आ जाओ ना, मैं भी तुम्हारे साथ ही खा लूंगी। कह रहे ना रख दे, हम खा लेंगे, दिल नहीं कर रहा। मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। आ पता है कुछ लोगों की नसीब में तन्हाई लिखी होती है। किस किस की तकदीर से लड़ेंगी? तकदीर से तो मैं भी नहीं लड़ सकती, लेकिन यहाँ तुम्हारे साथ तो बैठ सकती हूँ। या इसके लिए भी मुझे तकदीर से तहरीरी इजाजत मांगनी पड़ेगी? चले जाना ससी, टीपू देखेगा उसको बुरा लगेगा फिर। और तुम्हें? आओ ठंडा हो जाएगा खाना, जल्दी आ जाओ। आ जाओ। तुम्हें क्या लग रहा है अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी? इतना फ्री मत हो, खाओ जल्दी पकड़ो। सुनो ये मत करो, करीमन आएगी तो कर लेगी। ये मत करो, वो करीमन आती है ना तो वो कर लेगी आकर। आपको अच्छा नहीं लग रहा मेरा इस तरह से चीजों को हाथ लगाना? नहीं ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। तुम प्लीज अम्मी देवर, मुझे अच्छा लगता है। चलो कर लो फिर। क्या बात है? कुछ भी नहीं।
तुम रो रही हो? ऐसे आपको देख के कोई याद आ गया था। कौन? साई जी, मामा दसमान, मेरी नानी। तुम लोगों के साथ रहती थी? नहीं, इंडिया, हरियाणा में रहती थी, अब नहीं है। घर में और कौन कौन रहता है? मॉम, डैड, कि वो लोग मेरे साथ नहीं रहते थे, मैं तो अकेली रहती थी। रहती थी क्या मतलब? अकेली रहती थी। देन ठीक है, मलांग एंड थी, आई थिंक शी इज कॉलिंग मी, आई हैव टू गो, माय रिंग, बाय। खयाम मिया, आपका खत है खयाम मिया। अरे आप ठीक तो हैं खयाम मिया? मैं जिंदा हूं। मर्द औरत में यही तो फर्क है खयाम मियां। ममो को देखिए, उन्हीं से कुछ सीखी आप, दिल तो उनका भी मलमल सा छलनी किया है आपने, पर कैसे संभली बैठी? आपकी तरह हाथ पांव तो नहीं छोड़ दिए उन्हें? एक खत तक आया आपका, ऐसी होती है मोहब्बत, मलमल पे फिरती कांटेदार टहनी जैसी। इस मोहब्बत ने मुझे मेरी रूह की गहराइयों तक छील के रख दिया है। आप दुश्मनी करने निकली थी, आपको कहां फंसा बैठी सच्ची? जिसे आपको इतनी मोहब्बत हो गई, ये बात हम आज तक नहीं समझ सके।
तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई कासिम, क्या तुम ये बात कभी समझ पाए? मुझ जैसी खुदगर्ज और बेवकूफ। आप बेवकूफ नहीं हो ससी, आप बेवकूफ नहीं हो। तो फिर वज्जी ने मुझे आपने क्यों वज्जी को अपनी वक्त का पैमाना बना लिया? क्या जाने कि आप क्या हो, कौन हो? ये तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या हूं, कौन हूं। क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या हूं? जिस ससी से अभी बात कर रहे हैं उसको तो वाकई में हम नहीं जानते। हम इतना जरूर जानते हैं कि हमारी ससी ऐसी नहीं थी। अच्छा, कैसी थी तुम्हारी ससी? हमारी ससी बागी थी, खिलखिलाकर हंसने वाली, तूफान की तरह आगे बढ़ती हुई। तुम्हें पता है कासिम, मुझे लगता है जैसे मैं एक जगह ठहर गई हूं। इस मोहब्बत ने मुझे बांध लिया है। शायद इसीलिए मैं वज्जी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं जो थी मैं वो रही नहीं। क्या थी मैं और क्या हो गई? ससी खुद को उस मंझधार से निकाले, प्लीज। नहीं निकाल पा रही, बड़ी कोशिश कर रही हूं लेकिन आपको ऐसे देख के ससी मुझे तकलीफ हो रही है। तुम क्या चाहते हो कि मैं वजी से मोहब्बत करना छोड़ दूं? चाहना तो हमें यही चाहिए, मगर हम ऐसा कह नहीं रहे आपको। फिर क्या कह रहे हो? हम इतना कह रहे हैं कि उसको रहना सीखें ससी, फिर से खुलकर जीना सीखें ससी। एक मिनट, नहीं हो पा रहा, कोशिश कर रही हूँ फिर भी नहीं हो पा रहा। एक फिर ट्राई। हो नहीं रहा, क्या करूं हैं? यार तुझे अपनी क्यों पड़ी रहती है? मेरे सामने मत रो, बता ना कैसे हंसूं यार। कोई परेशानी की बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं।
किसका खत है? पपनेश्वर का खत है, पूछ रहा है कि किताब मुकम्मल हुई या नहीं। तो इसमें परेशानी की क्या बात है, मुकम्मल कीजिए ना किताब। लिख नहीं पा रहा हूं, एक अजीब से एहसास है कमतरी, खुद एतमादी की कमी का शिकार हो गया। क्यों किसी के किए की सजा दे रहे हैं अपने आप को? आपके इतने पढ़ने वाले हैं, जाने वाले, अपना एतमाद बहाल कीजिए। तुम्हें लगता है कि मैं लिख पाऊंगा? मुझे यकीन है, पूरा यकीन है। तो मेरे साथ होना। हमेशा हर हालत में। आप एक बार फिर से लिखना तो शुरू कीजिए। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूं। मम्मा बताए दे रही हूं, मामला गड़बड़ है। लिख ले मेरी बात। जरूरी तो नहीं है कि उनको एक गलती की सजा बार बार दी जाए। अभी उन्हें एतमाद की जरूरत है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी जिससे उनकी खुद एतमादी को ठेस पहुंचे। और तुम भी अपनी चोंच बंद ही रखना। और खबरदार जो तुमने सस्सी से इस बात का जिक्र भी किया तो। अच्छा एक सेकंड, मैंने सही सुना है तुम ये बताने के लिए आए हो कि सस्सी मुझसे मोहब्बत करती है? चैलेंज मैंने उसे दिया था लेकिन वो मुझे चाहने लगी, और तुम यहां टपके हो ये कहने के लिए कि मैं उसे अपना लो? तुम सबके सब पागल हो क्या? आप ऐसा ही समझ लो, हमसे सस्सी की यह हालत नहीं देखी जाती। आप भले उससे मोहब्बत ना करें पर उसे पैसे तुतकारे तो मत। तो मैं क्या करूं? मैंने उसे कहा था मेरे इश्क में मुब्तला हो जाए। मोहब्बत किसी से पूछ कर बता कर या फिर इजाजत लेके नहीं होती वजी साहब। यार मुझे समझ में नहीं आ रही तुम मुझसे क्या चाहते हो। मेरे पास सस्सी के इस मर्ज का कोई इलाज नहीं। बड़े बदनसीब हैं आप, बड़े ही बदनसीब हैं आप कि सस्सी की मोहब्बत की आपने आज तक कदर नहीं की। वैसे पन्नू मियां, आप भी तो सस्सी को ठुकरा चुके, आप क्यों नहीं अपना लेते उसे? हम अपना लेते हैं, हम जरूर अपनाते हैं अगर सस्सी की इस चीज में खुशी होती। मगर हमारी बदनसीबी पता है क्या है? सस्सी हमसे नहीं आपसे मोहब्बत करती है। तो फिर मेरा मशवरा सुन ले, इस बदनसीबी को बदनसीबी ही रहने दे। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अब जाइए।
तुम? I'm really sorry अगर मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया तो. मेरी चाय जान के चेहरे पे भी बिल्कुल ऐसे ही सुकून होता था, बिल्कुल ऐसे. माओ की किस्मत में सुकून कहाँ, उन्हें तो हर वक्त फिक्र खाए रहती, कभी औलाद की और कभी उनके नसीब की. हर माँ ऐसे नहीं होते. सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया. देखा ही, सब खिड़कियां दरवाजे बंद हैं. बच्चे सो गए क्या? हाँ जी, खुद तो सारी रात रत जगा करते हैं कम बखत मारे. मुझ बुढ़िया को भी राखी करनी पड़ती है. पता नहीं कब जाएगी ये मीना. बेचारी बहुत दुखी लगती है और अकेली भी. ए, क्या हो गया मामू आपको हैं? एक बार धोखा खाया है फिर मत खाइएगा. कोई बेचारी बेचारी नहीं होती. मैं तो वैसे ही कह रही थी करीमन. आपने जैसे भी कह दिया था, मैं आपको अच्छे से जानती हूं. पहले ये आपके दिल में घुसी चली आएगी, उसके बाद दिमाग में, और फिर उसके बाद इस घर में. अरे क्या एतबार इन औरतों का, जिनकी असल का ही नहीं पता. पता नहीं टीपू मियां कहां से उठा लाए. कोई एतबार नहीं है मुझे इनका. इनको खाम खाम में तरस आता रहता है इन औरतों पे. खुद अच्छी है ना इसीलिए. तुम्हें क्या हो गया? अपनी रंगों की दुकान खोल के क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, बस बैठे बैठे हम बोर हो रहे थे, सोचा यही कर लें. वैसे भी हमारे रंग भी हमारे तरह उदास हो गए थे, सोचा इस बहाने रमजान का भी हाथ बटा लें. आए मुझे नहीं करना. क्यों? माना कि सोच सोच के आपके चेहरे का रंग पीखा पड़ गया है, मगर रंगों से क्या दुश्मनी. और क्या पता इस बहाने आप थोड़ा मुस्कुरा लें. वो क्या है पीछे? कासिम ये क्या किया तुमने, पागल हो गए? आप हमें बेरंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. कासिम बाज आ जाओ, मैं बता रही हूँ. वरना वरना क्या करोगी, क्या करोगी? हाँ कासिम के बच्चे. अरे नहीं नहीं, सासी वाला, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं देखिए, सासी ये वाला नहीं. सुरमई शामों से मिलके सतरंगे सपनों में सुलगे. ओह कासिम, भूत लग रहा है, भूत. बताते हैं हम आपको. कासिम नहीं, देख तूने फेंका, मैंने फेंका, हिसाब बराबर. कोई हिसाब बराबर नहीं, मुझ पे क्यों फेंका ज्यादा? हां क्यों फेंका ज्यादा, बता बता. अरे पति नहीं, क्या हो गया भाई? अरे आओ तुम्हें मैं दिखाता हूँ, आओ जल्दी आओ, इधर आओ, वो देखो. हाँ क्या हुआ?
बुआ को देखो ना। हाँ बुआ बैठी है वहां पे। अरे सांप बनकर मीना के कमरे के सामने बैठी है। या तो मम्मो खुद चौकीदारी करती है और या उसको सामने बिठा देती है। सही कह रहे हैं आप। यार इंसान ने सौ बातें करनी होती है ना। यू नो अब यार मीना क्या समझेगी यार कि कितना रूड हो गया हूं यहां आकर मैं। डोंट यू थिंक दिस इज बैड? या दिस इज बैड। करती हूँ मैं कुछ इनका। बहन भाई के काम नहीं आएगी तो कौन आएगा? थैंक यू बुआ। हाय अल्लाह जी, पैर में मोच आ गई। अल्लाह, आई बुआ कब आएंगी? आई मर जाऊंगी तो आएंगी। से आपने ठीक नहीं किया। मम्मा को पता चल जाता तो पता चलता रे। दो मोहब्बत करने वालों के लिए मैं डांट भी खा सकती हूँ, और तुम क्यों मेरे लिए इतना परेशान हो रहे हो? फिर मैं हंसते हुए अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। हमारा बस चले तो आपकी हंसी हमेशा बरकरार रहे। हमारा मतलब था कि आप जो टीपू की मदद दे रही है ना, वो कोई खतरा ना मोल ले। मम्मो को पता चल जाएगा, वो परेशान हो जाती है। अच्छा याद करें आपने एक दफ़ा वो टीपू का खत नसीम को दिया था और मम्मो को पता चल गया था कि कितनी मार पड़ी थी आपको, याद है? याद है, तुम्हें तो पता ही है टीपू भाई को तो सारे लव लेटर्स मैं पहुँचाया करती थी हर लड़की को। लेकिन यार पता है मीना की बात कुछ और है। तुम देखना टीपू भाई के लिए आज मैं खतरा मोलूंगी ना, कल मेरे लिए स्टैंड लेंगे, और जब वजी की बात होगी ना तो सबसे आगे टीपू भाई होंगे मेरा साथ देने के लिए, देख लेना। ससी वो ऐसा नहीं करेंगे, गलतफहमी आपकी, नहीं करेंगे ऐसा। मेरे भाई है ना, मुझसे ज्यादा तो नहीं जानते ना तुम। अब मीना को ही देख लो कितनी खुश है टीपू भाई के साथ। यार मुझे तो ना बस ऐसा ही बन रहा है, परफेक्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। है छोड़ो, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है। दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहे? अगर हमारी बातें भरोसा नहीं है चले हमारे साथ। अगर तुम दिल रखने के लिए भी झूठ बोलो तो भी चलेगा। इसलिए मैं झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता होना चाहिए कि आप कितनी हसीन लग रही है। Okay, इस तरह पे कोई आपका दिल नहीं तोड़ेगा, कोई धोखा नहीं देगा आपको। अब मैं जाऊं? हम रोकेंगे तो रुकेंगी नहीं ना, तो जाइए, पूछो नहीं हमसे। रुके, आप अंदर नहीं जा सकती। मुझे हर बार रोकती हो और मैं हर बार अंदर चली जाती हूँ, तुम बास की नहीं आती बहन? देखिए इस दफा ऑर्डर सख्ती से है। अभी वजी का ही फोन आया था ना, उन्होंने मना किया। जी वजी साहब के ऑर्डर से। क्या रोज उसका मजाक बनाया है, ससी उन्होंने हम बात करके आते थे। तुम छोड़ो रहने दो, वजी साहब को कह देना कि मैं फिर आऊंगी। आ जाओ। अरे सचिन बात, अरे आजा ना मेरे हीरो, छोड़ दे, आजा। बस वहीं रोक दो। यहाँ क्यों आए हम? बताती हूँ ना, शरीर गुस्सा चढ़ा मैं उस पर, पता नहीं क्या समझता है खुद को। वो ऐसा ही है, उसे बर्दाश्त करना होगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये उसका घर है। क्या ससी हमें आप पर गुस्सा चढ़ रहा है? क्यों, तुम्हें ने तो कहा था पहले वाली ससी बन जाओ, बन गई वही ससी, अड़ियल बागी जिद्दी। अपनी जिद की खाते तो मैं छत से कूद पड़ी थी, आग में भी छलांग मार सकती हूँ अब मैं, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ससी मगर क्या 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 ससी ससी हेलो
The great director, Mr. Vaji Kamal, इधर। कब तक मुझसे दूर भागते रहोगे? एक ना एक दिन तो तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना के ही रहूंगी। भाग 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 जल्दी कर और जाएगा बाय। कौन है भैया? फिल्म पे पहले बजाया जा रहा है। अरे खयाम, अरे अरे खयाम, यहाँ पे ये क्या कर रहे हो? खयाम, क्यों पीछे पड़े हो तुम हमारे भाई? मैं तुम लोग के पीछे पड़ा हूँ कि तुम लोग मेरे पीछे पड़ गए हो? खयाम कहें बाहर निकालो से। क्यों आए हो यहाँ? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? किस तरह के आदमी हो तुम? रति बराबर गैरत नहीं है तुम में। ज़बान संभाल के बात कीजिए आप। कब तक औरतों के पीछे छुपते रहोगे खयाम? कभी सोनिया के पीछे, कभी बीवी के पीछे, कभी अपनी बेटी के पीछे। मर्द के बच्चे तो सामने आके वार करो। कितनी नीच और घटिया बातें कर रहे हैं। जाओ उधर, मैं बात करता हूँ उससे। लेकिन जाओ, कहाँ है ना तुम्हें? जिस सोनिया की तुम बात कर रहे हो ना, वो तुम्हें और मुझे दगा देकर भाग गई है। मैं सोनिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सस्सी की बात कर रहा हूं। सस्सी? हाँ, तुम्हारी लाडली बेटी सस्सी। अंदर आ। Very carefully, okay? I don't know much about modeling and catwalk, but jo basics hai wo main tumhe bata deti hu. Now, first of all, keep your back straight. Back straight? Look straight? Yes. And always, hamesha pehle apna right palm and then your left. Aur bilkul straight, okay? Attitude is very important. Watch me. Walk, 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 stop, turn, pose, cameras. Very important. Watch again. Walk, 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 turn, pose. Got it? Back straight. Look, right palm. Walk. Turn, pose. Walk again. Pose. Again. Attitude. Nice! You got it! You're so good at it! कलेजा ठंडा हो गया तुम्हारा? आपको क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं? वो जिसके लिए जिल्लत उठाए घूम रही हूँ, तुम्हारे बाप को जलील करने के लिए आया हुआ है। कौन? वो नीच बजी और कौन? ये चाहती थी ना तुम? तुम्हारा इंतकाम माँ बाप को मारकर खत्म होगा क्या? ये हमारी रूहों को भी चैन नहीं लेने दोगी? शर्माती है तुम्हें बेटी कहते हो? कितना समझाया था आपको, जहां हमारी इतनी बातें मानी थी वहां ये भी मान लेती। आपको पता है खालू क्या क्या कह रहे? सच्ची हम कुछ बोल भी नहीं सके, जमीन में गड़ गए। और क्या बताते, क्या बोलते? जब गलती हमारी थी, हम आपसे बात कर रहे हैं। हद होती है सस्सी। सस्सी, what's happening? क्या हो रहा है? सस्सी, what's happening? सस्सी, क्या हो रहा है घर में? Who is he?
मैं टीचर हूँ। हाय, आई एम वजी कमाल। हेलो, आई एम अ डायरेक्टर। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मीना। मीना, लवली नेम। मीना, आपको कभी किसी ने बताया? आप बहुत चार्मिंग है। थैंक यू। आप मेरी फिल्म में काम करेंगे? फिल्म? व्हाट फिल्म? Well, actually, I'm not from here, so I don't think it'll be possible, but thank you. Thank you so much. Well, in case you change your mind, here's my card. Has my personal number. Call me. Thank you. Meena. Nice name for a star. Such a strange guy. क्या कहा डॉक्टर ने? आपके भी अब्बा है वो, खुद पूछ लें उनसे। मेरे और उनके दरमियान फासले काफी बढ़ गए हैं। फसूल बात है सस्सी, आपको उनसे बात करनी चाहिए। मम्मो को ही देखें, कितनी ज्यादती हुई है उनके साथ, मगर फिर भी वो सबसे अच्छे से मिलती हैं, सबसे अच्छे से बात करती हैं। और एक आप है। क्या मिल गया उनको सब कुछ करके? सस्सी, कभी कभी चीजें पाने ही सब कुछ थोड़ी होता है। पाके खोने से खोके पाले में ही बेहतर होता है सस्सी। माँ बाप को इस आजमाइश में मत डालें प्लीज। और जिस आजमाइश में उन्होंने हम सबको डाला है उसका क्या? अगर आप अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हो सकती हैं, तो क्या पता वो भी मजबूर हो गए।